भैया इंदु आओ बैठो। मैं जानती हूँ भैया आप रिमझिम की सगाई की बात को लेकर परेशान हैं। सच कहूं मैं भी इस फैसले से खुश नहीं हूं। आखिर ऐसे कौन सी गलती की है रिमझिम ने जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है? गलती उसकी नहीं इंदु, हमारी है। हमारा कमजोर होना ही हमारा सबसे बड़ा दोष है। मैं तो कहती हूँ भैया हमें इस अनर्थ को होने से पहले ही रोकना होगा। क्यों हम अपनी मजबूरी की दुहाई देकर रिमझिम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इंदु, इंदु मैंने तो अपने दिल की आवाज सुनना ही छोड़ दिया। हिम्मत ही नहीं होती अंतर्मन की आवाज सुनने की। सच्चाई से डर लगने लगा है। और क्या हम वाकई रिमझिम के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? इंदु अगर हम उसकी शादी नहीं कराते तब भी तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होगा ना। मैंने तो अब सब भगवान पर छोड़ दिया, जो वो करेंगे अच्छा करेंगे। भैया अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है तो शायद भगवान भी यही सोचते हैं कि रिमझिम की शादी ना हो। मतलब पंडित जी कह रहे थे ना कि सगाई के लिए कोई अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा। हो सकता है भैया इसमें भगवान की ही कुछ मर्जी हो। अरे बहुरानी, मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था। क्या बात है? मैं तुमसे ये जानना चाहता था बहुरानी कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है क्या? क्यों नहीं, अगर कोई और रिश्तेदार है तो उसे फौरन इतला कर दो बहुरानी कि तुम उसके यहाँ पर आने वाले, क्योंकि इस घर से तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल होने का समय आ गया है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसे अगर समझ सको तो समझो बहुरानी। पंडित ने सगाई का मुहूर्त क्या नाम से एक महीने बाद का क्यों निकाला है? क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए कहा गया है। और किसने कहा है जानती हो? खुद अविनाश ने। क्या? अविनाश ने कहा? हाँ बाबा। और इसका मतलब समझती है बाबा? इसका मतलब ये है बहुरानी कि अविनाश आज भी रिमझिम को बहुत प्यार करता है। वो रिमझिम को इस घर से जाने नहीं देना चाहता। और बहुरानी एक और खिचड़ी पक रही है रिमझिम और यशोदा के बीच तुम्हारे खिलाफ। यशोदा ने रिमझिम को समझा दिया है कि वो अविनाश के पास जाकर उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बतला दे। क्या? तो फिर क्या होगा बहुरानी? जब अविनाश को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाएगा तो वो तुम्हें घर से निकाल ही तो देगा। नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूँ बहुरानी, ऐसा कुछ ना हो। रोको इसे और इसे सिर्फ और सिर्फ तुम रोक सकते हो। हेलो, नमस्ते वकील बाबू, दयाशंकर बोल रहा। दयाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी धमकी से या फिर हमारे घर पर जो हमला हुआ है उसे मैं डरने वाला हूँ तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें उस अग्रवाल को दोनों को जेल भिजवा कर ही रहूंगा। वकील बाबू, आपको जो भी करना है हमारे साथ कीजिए, हमें जेल भिजवा दीजिए, उम्र कैद की सजा दिलवा दीजिए, चाहे फिर भले फांसी पर चढ़वा दीजिए, हमें आपकी हर सजा मंजूर होगी। वकील बाबू, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हम अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा हैं। बकवास बंद करो दयाशंकर, किसी के दबाव में आकर ये कह रहे हो या फिर शायद ये तुम्हारी नई चाल है? नहीं नहीं वकील बाबू, ये कोई चाल वाल। जस्ट शट अप। नहीं सुधरेगा, मरेगा, मरेगा।
प्रतीक, किसका फोन था? कावेरी, क्या तुम नहीं जानती किसका फोन था? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे यूनियन लीडर दयाशंकर का फोन था? जो तुमने और प्रताप जी ने उसे कहा वही रटकर उसने मुझे सुना दिया। आप लोगों ने कहा होगा कि दयाशंकर इस वक्त माहौल ठीक नहीं है, इस वक्त माफी मांगना ही ठीक रहेगा, यही कहा ना तुमने, राइट? नो, यू रॉन्ग। ना ही मैंने प्रताप जी से बात की और ना ही दयाशंकर से। तुम ऐसा क्यों सोचते हो प्रतीक? और ऐसा सोचकर तुम अपने आप को भी तकलीफ देते हो और मुझे भी। हमें इन सब बातों का कोई ना कोई सलूशन तो निकालना होगा। एक सलूशन है कावेरी, अगर तुम चाहो तो। और वो सलूशन है मेरे वर्कर्स के साथ इंसाफ। प्रतीक, क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? प्रतीक, अभी काश आप जो कह रहे हो सही होता। मैं सिर्फ अपने आप को तकलीफ देता, मगर नहीं, मैं अपने अलावा सबको तकलीफ दे रहा हूं। राकेश भैया सही कह रहे थे, बहुत नादान हूं मैं। राकेश की बातों का बुरा लगा? उन्होंने सही कहा है भाभी, मगर क्या करूं मैं? जब भी उन मजदूरों को देखता हूं उनका दुख मुझे देखा नहीं जाता, उनकी गरीबी देखकर मेरी रूह कांप जाती है। और तब मेरे सो कॉल्ड खोखले उसूल जाग जाते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता भाभी। प्रतीक, हम देवर भाभी कम तो ज्यादा रहे, दुनिया वाले घर वाले चाहे तुम्हें कितना ही गलत क्यों ना ठहराए, लेकिन मैं जानती हूं प्रतीक, तुम सही हो और हमेशा सही थे। लेकिन प्रतीक, तुम कहो तो मैं कावेरी से बात करूं? नहीं भाभी, ऐसा मत करना, ये बात कावेरी को समझनी है। मैं जो कर रहा हूं वो सच है, मेरी लड़ाई सच्ची है भाभी, और इसी में ही सच्चाई है। यहाँ क्या कर रही हो रिमझिम? तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था ना मैंने? ओ, अच्छा अच्छा, तो तुम अविनाश से मिलने आई हो? उसे ये बताने आई हो कि मेरी असलियत क्या है, कि मैं इस घर की, इस परिवार की दुश्मन हूं, इस घर की लाडली रिमझिम की दुश्मन हूं, ये सब बताने आई हो? ठीक है, एक मिनट। जानती हो ये क्या है? जहर। मेघा,
मेघा। यस मम्मी। आओ बेटा, लो बेटा ये दवा पियो। मालिनी तुम्हें क्या कर रही हो? पियो 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 मेघा, पियो पियो बेटा, चलो। बाहर खेलो। घबरा गई कि मैंने मेघा को जहर पिला दिया, खुद भी जहर पी लिया। नहीं रंजिम, इसमें जहर नहीं है। हाँ, अगर तुमने अविनाश को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अगली बार इसमें जहर हो सकता है। इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ रंजीत? क्या हुआ रंजीत? बोलो ना, सब ठीक तो है ना? रंजीत, ऐसा क्या देख लिया तुमने रंजीत? बोलो रंजीत, सब ठीक है ना? ठीक घबराई हो? बोलो रंजीत। कुछ नहीं। मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमें सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा मेघा। लेकिन रिमझिम हमें कुछ तो करना ही होगा। क्या कर सकते हैं हम? मेघा को बलि तो नहीं चढ़ने दे सकते ना। क्या करें मामी? क्या करें? वाह बहुरानी वाह, भाई क्या चाल चली है तुमने है? एक बार को तो हम भी चिंता में पड़ गए थे कि ये रिमझिम तो जाकर के अविनाश को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बतला देगी है? लेकिन मान गए, तुमने भी ऐसी चाल चली है कि वो रिमझिम तो एकदम खामोश हो गई। मानना पड़ेगा बहुरानी, बड़ी ऊंची खिलाड़ी हो है? लेकिन अब आगे चाचा जी, अब हमें ये खेल जरा उल्टे तरीके से खेलना होगा। बाजी हम रिमझिम को खेलने देंगे और फिर उसी की चाल से उसे मात देंगे। वो कैसे? जिस अविनाश ने रिमझिम के प्यार में पड़कर सगाई की तारीख आगे बढ़वाई है,
मैं उसी अविनाश के दिल में रिमझिम के खिलाफ इतना जहर भर दूंगी कि वो खुद पंडित जी को बुलाकर रिमझिम की शादी करवाएगा। लेकिन उससे पहले चाचा जी, यशोदा भाभी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। आगे बतुआ। ये लीजिए मिस्टर दस्तूर, ये मेरे प्रोडक्शन यूनिट और ऑफिस के पेपर्स हैं। इन्हें आप अपने वकील से या अपने सीए से चेक करवा सकते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं राकेश जी, आप मालिनी जी के ब्रदर इन लॉ हैं, ये गारंटी क्या कम है? वैसे तो ये पेपर्स में मॉर्गेज रखता भी नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना। आखिर 40 करोड़ रुपया कोई कम रकम तो नहीं? यह बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं भी अपना बिजनेस करता हूं ना, तो अपना पेपर वर्क और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर रखना प्रेफर करता हूं, ताकि सामने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब आपने मुझे ये ऑफिस और फैक्ट्री के पेपर्स दे दिए, तो मुझे भी लोन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी चाहिए। लीजिए ये पेपर्स, आप एक बार गौर से पढ़ लीजिए। ये क्या है? राकेश भैया कुछ खास नहीं, बस वो लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर्स है, इस पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ बताओ, साइन कर देता हूँ, कहाँ करना है? राकेश मिटवा, एक बार कागज पढ़ तो लो। देखो भाई, कायदा है क्या नाम से कि कागज पे साइन करने से पहले एक बार कागज को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। हाँ चाचा जी, जब इन्होंने मेरे कागजात पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की तो फिर मुझे क्या जरूरत? फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो तय हुई हैं। पढ़ लिया बेटा, हो गई ना तसल्ली? है देखो भाई, तुम्हारी तसल्ली हो गई तो समझो हमारी भी तसल्ली हो गई। बिकवा, एक बार ये कागज पे तुम्हारे दस्तखत हुए नहीं और समझो व्यापार का तुम्हारा सिलसिला आगे बढ़ा है। देखना, देखते ही देखते तुम संसार के टॉप के एक्सपोर्टरों में आ जाओगे। हाँ लाइए, बताइए कहाँ साइन करना है। राकेश हाँ। यशोदा जरा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। यशोदा बाद में बात करते हैं, मैं थोड़ा इस वक्त बिजी हूँ। राकेश मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज यहाँ आइए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है राकेश? ये सब क्या हो रहा है राकेश? ये मिस्टर दस्तूर कौन है? ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना? नहीं राकेश, मुझे अभी जानना है मालिनी आपको किसे इंट्रोड्यूस करवा रही है। जिद की भी हद होती है यशोदा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मिस्टर दस्तूर कौन है, फिर भी सुनना चाहती हो तो सुनो। वो एक फाइनेंसर है और मेरी लोन डील के लिए वो मुझे पैसा दे रहे हैं। किसकी गारंटी पर? मालिनी के? राकेश आप अपनी पूरी कंपनी मॉर्गेज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बाबूजी से एक बार बात करनी चाहिए? देखो तुम्हें अगर बिजनेस की समझ नहीं है तो मेरे मामलों में दखल मत दो प्लीज। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मालिनी मेरी मदद कर रही है, मदद, समझी तुम? नाउ प्लीज लेट मी डू माय जॉब। राकेश हाँ मिस्टर दस्तूर, बताइए कहाँ साइन करना है? यहाँ पे।